हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर फ़ोन का पावर बटन दबाने पर फ़ोन स्विच ऑफ़ करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए फ़ोन के सेटिंग्स में जाना है और अब नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा सिस्टम सेटिंग्स या एडिशनल सेटिंग्स का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन है वेक गूगल असिस्टेंट विथ पावर बटन, यही ऑप्शन चालू है तभी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए अभी इस ऑप्शन को हम बंद नहीं करते हैं और पावर बटन को दबाते हैं, देखिए इस तरह प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जैसे ही हम इस ऑप्शन को बंद कर देते हैं और अब पावर बटन को दबाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रॉब्लम थी वो चली गई है। इस तरह आप भी सही कर सकते हैं, इसी ऑप्शन को बंद करना है। तो जैसे ही बंद कर लेंगे प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब हम बैक आते हैं, अगर आपके फ़ोन में ऐसी सेटिंग नहीं रहेगी, अलग अलग फ़ोन में अलग अलग प्रकार की सेटिंग होती है, तो फिर आपको क्या करना है, फ़ोन के सेटिंग्स में आना है और ऊपर सर्च बार का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर लिखना है पावर बटन। जैसे ही आप पावर बटन लिखेंगे तो यहाँ पर वेक गूगल असिस्टेंट का ऑप्शन आएगा या फिर प्रेस एंड होल्ड का ऑप्शन आएगा, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर इनेबल का ऑप्शन मिलेगा या फिर वेक गूगल असिस्टेंट विथ पावर बटन, इसको यहाँ से बंद कर देना है। जैसे इतना कर लेते हैं प्रॉब्लम सही हो जाएगी। अब आना है बैक होम स्क्रीन पर। अब अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। कैसे रीस्टार्ट करेंगे तो देखिए जो फ़ोन का पावर बटन है जिससे मोबाइल लॉक करते हैं, इस बटन को कुछ सेकंड तक दबाकर रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रीस्टार्ट या रिबूट का, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। और जैसे ही फिर से क्लिक कर देंगे तो फ़ोन अपने आप ही स्विच ऑफ होकर स्विच ऑन हो जाएगा, इससे कुछ भी डिलीट नहीं होगा और फ़ोन में जो भी प्रॉब्लम रहेगी वो सही हो जाएगी। तो इस तरह सही कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।